नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बीएसएफ के 57वें स्थापना दिवस के मौके पर जैसलमेर में एक समारोह का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। उस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा अमित शाह ने, चलिए आपको सुनाते हैं। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से देश की सीमाओं की सुरक्षा को एक अलग प्रकार की गंभीरता से भारत सरकार ने लिया है और जहां जहां पर भी सीमा पर अतिक्रमण करने का प्रयास हुआ, जहां जहां भी हमारे सीमा सुरक्षा बल या कोई सीएपीएफ के जवान पर घात करने का प्रयास हुआ, हमने तुरंत ही जवाबी कार्यवाही की है और हमारे जवान और हमारी सीमा दोनों को कोई हल्के से नहीं ले सकता। इसका उदाहरण भारत ने हमेशा पूरा करने का प्रयास किया है। जब उरी में हमला हुआ, पुलवामा में हमला हुआ और उसी वक्त भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत निर्णय करते हुए एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करकर उसका जो जवाब दिया, इसकी पूरी दुनिया भूरी भूरी प्रशंसा करती है। कोई भी देश तभी जाकर दुनिया में आगे बढ़ सकता है और कोई भी देश तभी अपनी संस्कृति को पनपा सकता है, फला फूला सकता है, जब वो सुरक्षित हो। और आप देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले जवान हैं, पूरा देश आप पर गर्व करता है। और भारत की सरकार के लिए मोदी जी के नेतृत्व में सीमा सुरक्षा का मतलब ही राष्ट्रीय सुरक्षा है। तो आप सदैव ये बात को याद रखिए कि आप सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं, इसके साथ साथ पूरे देश को सुरक्षित कर दुनिया में अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का काम भी आप कर रहे हैं। वो मुझे आप लोगों को इसलिए बताना है कि ये सीमा सुरक्षा पर की कठिनाइयां ही अपनी भारत माता को पूरे विश्व में सर्वोच्च स्थान पर आरूढ़ित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पूरा करती है। मित्रों, हमने कई प्रकार की नई तकनीकों को अपनाया है। पंकज सिंह जी ने अपने अभिभाषण में इसका जिक्र किया है, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। मैं बल को इतना ही आश्वासन देना चाहता हूं कि विश्व में उपलब्ध सर्वोच्च तकनीक आपकी और सीमा की सुरक्षा के लिए सीमा सुरक्षा बल को उपलब्ध कराई जाएगी। इस सरकार का कमिटमेंट है और सरकार उस दिशा में काम करेगी। मित्रों, सीमा की सुरक्षा के लिए, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सड़क निर्माण का जो बजट था वो 2008 से 2014 लगभग 23,000 करोड़ था और 2014 से 2020 तक नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 23,700 करोड़ से बढ़ाकर 44,600 करोड़ का करा है। यही बताता है कि सीमा की सुरक्षा के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार कितनी कटिबद्ध है। मित्रों, राजस्थान की लगभग 1,070 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा में भारत माला प्रोजेक्ट से राजस्थान में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। पूरे देश में भारत माला प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली सड़कों से 24,800 किलोमीटर सड़कें बनानी है। कल ही में भारत माला प्रोजेक्ट में बनी हुई सड़क पर अंतिम चौकी पर जाकर आया हूं, तब मुझे मालूम पड़ा कि मोदी जी ने जो फैसला लिया है वो सीमा सुरक्षा के लिए कितना उपलब्ध है, उनकी उपलब्धता के लिए, जवानों की चीजों की उपलब्धता के लिए कितना अच्छा है। अटल सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया, 6 सालों से काम नहीं होता था, वो मोदी जी के समय में ही हुआ। और लगभग 14,450 किलोमीटर रोड 2007 से 2020 तक बनाने का काम, सीमा के रोड बनाने का काम हमने पूरा कर दिया है और इसमें 7,270 मीटर लंबे पुल बनाए हैं। इससे आपको मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार की लेवल से ये फैसले हो रहे हैं। क्रिटिकल बॉर्डर प्रोजेक्ट हेतु भूमि अर्जन को आसान बनाने के लिए ग्रुप मंत्रालय को भूमि अर्जन का और पुनर्वसन और पुनर्व्यवस्थापन का काम
सरकार ने घोषित किया है, इसे और आगे पर सरलता होगी।